दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर फरीदाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फरीदाबाद में एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पूरी घटना रविवार शाम की है और केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में रविवार शाम को तैनात एक महिला प्रशासनिक अधिकारी के साथ एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी। महिला अधिकारी ने युवक के खिलाफ सेंट्रल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को यानी कि आज स्थानीय अदालत में उसे पेश किया जाएगा। बता दें कि रविवार शाम को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के सेक्टर 15 में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे थे। इस दौरान महिला प्रशासनिक अधिकारी की कार्यक्रम में ड्यूटी थी। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने उन्हें गलत नियत से छुआ। इस दौरान सतर्क महिला प्रशासनिक अधिकारी ने युवक की बदतमीजी को भांप लिया और उसी क्षण स्थानीय पुलिस को सूचित कर उसे हिरासत में लेने के लिए कहा। बाद में महिला अधिकारी ने युवक के खिलाफ शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के ब्राह्मण बाहुल्य गाँव नरियाला में होली मिलन समारोह में पहुंचे थे। यह आयोजन जजपा की फरीदाबाद जिला इकाई के प्रधान अरविंद भारद्वाज ने किया था। बता दें कि इसके विरोध में किसान नेताओं ने पिछले दिनों जाट बाहुल्य गांव मोहना में एक पंचायत भी की थी। इसमें पंचायत ने निर्णय लिया था कि दुष्यंत को प्रथला हलके में आने से रोका जाएगा। यह अलग बात है कि पंचायत की चेतावनी के बावजूद दुष्यंत ने इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया और दुष्यंत चौटाला पहुँचे, जिसके चलते प्रशासनिक और खुफिया तंत्र से जुड़े आला अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहे। इस खबर की जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।